जब जब मैं अतीत के पलों की संदूक पर लगी धूल झाड़ता हूँ, मैं पाता हूँ दिल को छू जाने वाले कुछ किस्से। बात बन गई होती गर जोड़ दिए होते मैंने सारे हिस्से। जैसे ही मैं उस संदूक को खोलता हूँ, मैं पाता हूँ हर एक खास पल की अपनी एक कहानी है। कुछ पलों में हुई भूल थी और बहुतों में हुई मनमानी है। इतने खट्टे मीठे पलों से भरी गठरी को देखकर मैं रोमांचित हो उठता हूँ। फिर एक सबसे कोने में पड़े पल को उठाता हूँ। वो पल बोला, मैं तो आपके ही द्वारा लापरवाही व जिद का मारा हूँ। आप सच में खुद को भूल गए थे, इसलिए उस एक खास इंसान के पैरों तले रोंदा हुआ हूं। ये सुनकर बगल में पड़ा आत्मसम्मान वाला पल बोला, क्यों, आखिर क्यों आपने मेरी कुर्बानी दी? सिर्फ किसी की नाजायज चाहत को खुश करने के लिए? जैसे जैसे यह बहस बढ़ी तो सब सोए हुए पल मानो उठ पड़े। इज्जत, गौरव, रचनात्मकता और फक्कड़ स्वभाव वाले पल मानो अभी एक एक करके यादों की चौपाल में पंचायत करने को तैयार हो जाएंगे। मेरे दिमाग में, मन की भीतरी दीवारों पर मानो कीले गड़ गई। इतना जोर का एक हवा का झोंका आता है और उस यादों की संदूक को फिर से बंद कर देता है। पता है वो झोंका क्या था? मेरी शादी हो गई। एक बंद हुई और एक नई संदूक तैयार हो गई।